हेलो वगो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जून महीना कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं जून 2024 के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। सो अगर आपकी राशि वगो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, एंड द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पास जो है वो आपको नहीं चाहिए, आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, आप उस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो एंड बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑप्शंस आपके साइड में हैं बट आप उन सब चीज़ों को ना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हो या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ और हैं, आप कुछ और चीज़ को ना चाहते हो एंड उसी चीज़ के लिए यहाँ पर इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। तो देखो, आपके इंतज़ार से रिलेटेड कुछ फल यहाँ पर जून महीने में मुझे दिख रही हैं, आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं एंड आज साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। एक्वेरियस की एनर्जी साथ में हाई है। ओके, सो यस, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू मुझे दिख रही है आपके साथ आपका फैमिली का बॉन्ड जून महीने में बहुत बढ़िया रहने वाला है। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का हेल्प आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। ओके, एंड इसी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्टेबल महसूस करने वाले हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आप जो भी करते हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, उस साइड से एक स्टेबिलिटी आपको दिख सकता है जून महीने में। अगर अभी तक आपके करियर में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग सिचुएशन बना हुआ था, क्या करोगे क्या नहीं करोगे समझ नहीं पा रहे थे, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा था, तो येस, उस साइड से यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे बनती हुई दिख रही है। कुछ क्लैरिफिकेशन आपके करियर की साइड से आपको मिलने वाला है जिसके दौरान ये जो स्टेबल पोजीशन है ना, ये क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपने कुछ इमेजिनेशन करके रखा है, आपका कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशंस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पूरे होने के चांसेस दिख रहे हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने ड्रीम के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचने वाले हो। आपका मैनिफेस्टेशन जस्ट पूरा होने ही वाला है। आप अपने टारगेट के ऊपर, आप अपने गोल के ऊपर बेस करके कुछ एक्शंस लेने वाले हो ऐसा, जो कहीं ना कहीं आपको एक महीने के अंदर आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल मुझे दिख रही है महीने के एंड में एंड महीने के स्टार्टिंग में आपका विश पूरा हो सकता है एंड बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड कर रही है आपका ये विश पूरा होना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत तगड़ी तरीके से, मतलब कि परमानेंसी के साथ। ये जो भी ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगा, ये जो भी प्रपोजल होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। दिख रही है मुझे कि अगर आप बहुत टाइम से नौकरी ढूंढ रहे थे, अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उस साइड से कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, बिज़नेस का आइडिया मिल सकता है या फिर बिज़नेस आप स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आपको इनफ रिसोर्सेज नहीं मिल रहा था, तो उस साइड से भी यहाँ पर एक बिग पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। करियर के साइड से या फिर आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ें अगर आपको बहुत टाइम से नीडेड था एंड आपको मिल नहीं रहा था, तो आपके लाइफ को खुशहाल तरीके से आगे ले जाने के लिए आपको जो भी चीज़ें नीडेड होगा वो आपको मिलती हुई दिख रही हैं। ओके, सो लव लाइफ के साइड से भी कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकता है इस टाइम पर। कोई आपको बहुत दिल से, प्यार से कोई प्रपोजल दे सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल एक ऑफर को भी दर्शाता है। सो यस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके लाइफ में हीलिंग आने वाला है। बहुत टाइम से अगर आप कोई हेल्थ इशू से जूझ रहे थे, आपको रिकवरी प्राप्त नहीं हो रहा था, हीलिंग नज़र नहीं आ रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिख रही है आपका जो हेल्थ है वो सही होने वाला है।
एंड साथ में ये भी दिख रही हैं कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई लीगल मैटर में फंसे हुए थे, या फिर आपका कोई एक काम ना अटक अटक के चल रहा था, आप बहुत बार उस जगह का चक्कर लगा चुके हो बट कहीं ना कहीं आपका वो पेपर वर्क कम्प्लीट नहीं हो रहा था, वो सरकारी काम में आप अटके हुए थे, तो दिख रही है मुझे वो काम कम्प्लीट होने वाला है। जिस साइड से आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे, गिव अप कर चुके थे चीज़ों को, तो उस साइड से यहाँ पर एक होप फिर से बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। फिर से यहाँ पर एक चांस रहेगा कि आपका ड्रीम फुलफिल हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फोर ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास जो भी आएगा जून महीने में आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ना पकड़ने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि आपको बहुत सारा मनी की ज़रूरत है, आपको बहुत सारा प्यार की ज़रूरत है, आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी की, बैलेंस की ज़रूरत है। आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो एकदम से आपके लिए बेफिजूल हैं, कोई भी चीज़ें काम की नहीं हैं, तो आपका ये चिंताधारा बदलने वाला है। आप इस सिचुएशन में ट्रांसफ़र होने वाले हो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जून महीने में कि आपके पास जो भी है वो किसी के पास नहीं है, एंड इस चीज़ को आपको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। कोई आपसे ये चीज़ें छीन ना ले, या फिर आप फिर से गुमा ना दो, या फिर आपसे ये चीज़ें चला ना जाए, आपके पास ही रह जाए, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। एंड ये भी दिख रही है कि आप जून महीने में ना बहुत सारा सेविंग्स करने वाले हो, खर्चा आपका कम होती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेली टाइम शेड्यूल से बाहर हो रहे थे, पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे थे, तो उस साइड से कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप डिसिप्लिन होने वाले हो, पंक्चुअलिटी को पकड़ने वाले हो। एंड यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू दिख रही हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत से काम करने वाले हो एंड बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो मिड मंथ से। ओके, आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे मिड मंथ के बाद से, पूरी तरीके से अपना फोकस काम में टिकाते हुए दिख रहे हो, बहुत शिद्दत से एंड बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। एंड आपका ये काम ना बहुत ज़्यादा अच्छा फल भी देने वाला है, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका जो कर्म है वो विफल जा रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस। ओके, डायरेक्टली आ चुका है द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विथ वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। ओके, डिवाइन बता रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ का ना मतलब ढूंढना चाहिए। एक्चुअल में आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आप किस वजह से धरती पर आए हो, ओके, इस चीज़ को आपको ढूंढना चाहिए। आपके अंदर ऐसा क्या है जिस चीज़ को शो करने से, या फिर जिस चीज़ को हासिल करने से, या फिर जिस स्किल को डेवलप करने से आपके लाइफ में पैसों का बौछार हो सकता है, आपके पास नेम फेम मनी आ सकता है। ओके, आपका लाइफ टोटली चेंज हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा जून महीने में ही। एंड आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे वॉइस टीचर्स फ्रेंड्स को भेजा जाएगा जो आपको हेल्प करेगा, तो हेल्पिंग हैंड डिवाइन भेजते हुए दिख रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ना किसी के तरफ से आपको हेल्प डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्रस्पेक्टिव। ओके, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से आपको सोचना चाहिए आपके करियर के साइड से, या फिर आपके लव लाइफ के साइड से। अगर आप किसी साइड से अभी स्टक महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ का जो पहिया है वो घूम नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आप स्टक हो चुके हो, आप जस्ट क्या करोगे समझ नहीं पा रहे हो, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। इन दोनों मैसेज में ही मुझे दिख रही हैं कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच को कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, एंड डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए कहा जा रहा है। आप जिस भी पैथ पे हो ना कहीं वो गलत दिख रही है, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आपको इस टाइम पर डेयर दिखाना है, साहस दिखाना है, एंड अपने पैथ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना है, अलग तरीके से सोचकर देखना है। फाइन, सो डेफिनेटली यही है आपका रीडिंग वर्गो। सो थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।